हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगेन एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है, विच इज़ हेयर फॉल ड्यूरिंग विंटर्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो समहाउ हमारे जो बाल हैं उनका जो फॉल है वो बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि ऐसा क्यों होता है, क्या प्रोबेबल रीजन्स है कि हमारा हेयर फॉल होता है, और उसको काउंटर करने के लिए या उस हेयर लॉस को रिड्यूस या ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है कि विंटर्स में हमारा हेयर फॉल होता है, वो इसलिए होता है कि जो कोल्ड एयर होती है, जब विंटर्स आती हैं तो हवा बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इस ड्राई एयर के चलते हमारी जो ओवरऑल बॉडी है उससे मॉइस्चर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो विंटर के क्या इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, वो उसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो करा है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। पर फिलहाल हम हेयर केयर पे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो हो सकता है कि हमारे हेयर फॉल होते हैं उसका ये है कि हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी कॉन्स्टेंटली हीट जनरेट कर रही है बाहर के टेम्परेचर से को विदस्टैंड करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए बॉडी के अंदर एक जनरल डिहाइड्रेशन हो जाती है, और हमें इतनी प्यास नहीं लगती तो हम पानी भी कम पीते हैं। ये जो डिहाइड्रेशन है ये हेयर फॉल को एनकरेज करती है, और इसी वजह से सर्दी में हमारे बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो इसको काउंटर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि विंटर्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा हॉट बेवरेजेस का इंटेक बढ़ा देते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, और ये सब भी डिहाइड्रेटिंग होते हैं। इस वजह से भी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। तो हाइड्रेशन के ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप जाके देख सकते हैं और अपने हाइड्रेशन लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न जो होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है विंटर्स के ड्यूरिंग, वो है हीट सोर्सेज। अब जब हमें ठंड लगती है, या तो हम लोग हीटर के पास टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर जो लोग हीटर नहीं प्रेफर करते वो या तो कोयला इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी को जला के अपने आप को वार्म रखते हैं। पर अगर आप ये क्लोज सेटिंग में कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ये खुली हवा में कर रहे हैं, बाहर एरिया में कर रहे हैं जहाँ आपने लकड़ी जलाई या कोयला जलाया, पर अगर आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोज सेटिंग के अंदर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को, आपके स्कैल्प को ड्राई कर देता है, जिससे हेयर ब्रेकेज बढ़ जाता है। तो इसका एक सिंपल सा रेमेडी ये है कि अगर आप कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा उसको ओपन सेटिंग में रखें, कभी भी बहुत छोटे एरिया में या क्लोज सेटिंग में उसका इस्तेमाल ना करें। सेकेंडली, अगर आप हीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका यूसेज बहुत ज़्यादा ना करें, जब अगर आप चला भी रहे हैं तो कम से कम टाइम उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। अगला रीज़न जो हो सकता है हेयर फॉल का विंटर्स में, वो है यूज़ ऑफ कैप्स या फिर हेयर टाइज। तो हम लोग, क्योंकि ठंड होती है तो अपने आप को बचाने के लिए हम लोग टाइट कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हवा अंदर ना जाए, कान में ठंड ना लगे, सर में ठंड ना लगे। पर होता क्या है कि टाइट कैप्स की वजह से हमारे बाल खिंचते हैं, और बालों का कॉन्स्टेंटली खिंचने की वजह से उनमें ब्रेकेज बढ़ जाती है। तो इससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि या तो आप हैट का इस्तेमाल करें, हैट जो होती है वो गोल होती है और लूज़ होती है थोड़ी सी, तो उसमें आपका हेयर फॉल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप हैट नहीं प्रेफर करते हैं तो आप स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिर भी टाइट कैप्स ही प्रेफर करते हैं तो उसका ड्यूरेशन कम कर दीजिए, बहुत लंबे टाइम उसको मत पहन के रखिए, और बालों को भी जितना खुला रख सकते हैं उतना खुला रखिए। अगर आप बालों को ज़्यादा लंबे टाइम तक बांध के रखेंगे, उससे भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगला रीज़न जो हो सकता है आपके बाल गिरने का, वो है लेस फ्रीक्वेंट वॉशिंग। अब क्योंकि सर्दी आ जाती है तो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बाल नहीं धोते, जैसे कोई हफ्ते में एक बार धोता है या कोई हफ्ते में दो बार या 10 दिन में दो बार धोता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं या जो भी ऑयल्स आपके सर में रिलीज हो रहे हैं, जो भी गंदगी है, वो वहीं आपके पोर्स के अंदर डिपॉजिट होती रहती है, और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, और ये रीग्रोथ ऑफ हेयर को भी डिस्करेज करती है। तो इसलिए ऑल दो सर्दी में फ्रीक्वेंट वॉशिंग करना बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, पर जो फ्रीक्वेंट वॉशिंग है वो आपके हेयर फॉल को एक्चुअली प्रिवेंट करेगी। तो बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप नहीं धोना चाहते तो एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि ट्वाइस अ वीक आप अपना हेयर वॉश ज़रूर करें, ताकि जो भी गंदगी है वो आपके हेयर से रिमूव हो सके, आपका स्कैल्प क्लीन रह सके, और उसके चलते आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो सके। एक और रीज़न जो हेयर फॉल का बनता है सर्दियों में, वो है यूज़ ऑफ हॉट वाटर।
अब कई लोग जो हैं वो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली हम लोग दिल्ली में तो बहुत सिवियर विंटर्स भी देखते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी का यूज़ करते हैं नहाने के लिए, और वही गर्म पानी वो बालों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अब जब हम बहुत हॉट वाटर अपने स्कैल्प पे डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे रूट्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं और उसकी वजह से उनकी ब्रेकेज बढ़ जाती है। तो अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए, पर आप बाल धोने के लिए लूक वॉर्म, कोल्ड या फिर रूम टेम्परेचर वाटर यूज़ कीजिए। प्लीज़ हॉट वाटर मत यूज़ कीजिए क्योंकि वो आपके रूट्स को वीक करता है और उसकी ब्रेकेज को बढ़ाता है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं हेयर फॉल से बचने के लिए वो है ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या करेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हवा ड्राई है, हीट सोर्सेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, विंटर वेयर हम पहन रहे हैं, तो स्किन से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ऑयलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है मॉइस्चर को रिवाइव करने का, मॉइस्चर को मेंटेन करने का स्कैल्प पे। अब कौन से ऑयल्स बेस्ट रहते हैं विंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे जो प्रेफर्ड ऑयल है वो है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। अगर बादाम का तेल अवेलेबल ना हो तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुनगुना मस्टर्ड ऑयल जो यानी कि सरसों का तेल होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत सिवियर हेयर फॉल है तो उसमें आलमंड ऑयल और जो गुनगुना मस्टर्ड ऑयल है वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। इनको मैंने पर्सनली ट्राई किया है और उसका रिजल्ट मैंने देखा है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर। और हेयर केयर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस करे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और टिप्स अपने हेयर को हेल्दी रखने के लिए, हेयर ब्रेकेज प्रिवेंट करने के लिए और रीग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि विंटर हेयर फॉल हर किसी की प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, शायद ये टिप्स उनको हेल्प कर सके। जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, आपके नेबर्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूँ तो प्लीज़ उसका जो भी टॉपिक का नाम है वो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आने वाले हफ्तों में उसके कवर करने की। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।